छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में इन दिनों दो तस्वीरें दिख रही है। एक तस्वीर ऐसी जहां कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के पास इतना काम है कि वे दिन रात काम के बोझ से दबे हुए हैं। इसके उलट दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय में कई वरिष्ठ और काबिल अफसर दफ्तर में बैठे अपना समय काट रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। ऐसे अफसरों में ADG से लेकर के SP रैंक तक के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने जल्द ही कार्य विभाजन की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले साल 2023 में सरकार बदलने के बाद से कई अफसरों को फील्ड से हटाकर पुलिस मुख्यालय भेजा गया। ये फिलहाल वहीं पदस्थ हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई भी महत्वपूर्ण दायित्व नहीं मिल पाया है। इन अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर अब महत्वपूर्ण दायित्व मिलने का इंतजार है। खास बात यह है कि इनमें से कुछ अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में बेहद प्रभावी भूमिका में थे, लेकिन राज्य में सरकार बदलने के बाद से हाशिए पर हैं। पुलिस में सभी प्रमुख पदों पर अधिकारियों की पोस्टिंग जाहिर है कि सरकार की पसंद या उनकी कार्यक्षमता के आकलन के हिसाब से होती है। यह अलग बात है कि किस अधिकारी के कामकाज का किस सरकार में किस प्रकार से मूल्यांकन या फिर आकलन किया जाता है। IPS अधिकारियों में ADG, IG, DIG, SP रैंक के अफसर अभी बिना काम के ड्यूटी बजा रहे हैं। ये सभी महत्वपूर्ण दायित्व मिलने के इंतजार में बैठे हैं। दीपांशु काबरा, पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार जिन वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार ने अब तक कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं सौंपा है, वे पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं। ऐसे अफसरों की सूची में सबसे पहला नाम ADG दीपांशु काबरा का है। वो पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में महत्वपूर्ण दायित्व निभा चुके हैं। उनके पास जनसंपर्क विभाग में आयुक्त सह संचालक का दायित्व था। वे परिवहन विभाग में आयुक्त के रूप में भी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन सरकार बदलने के कुछ समय के बाद उन्हें बतौर ADG पुलिस मुख्यालय में पदस्थ किया गया है, लेकिन पिछले 6 महीने से वो PHQ में अपने दिन काट रहे हैं। IG डॉक्टर आनंद छाबड़ा, अजय यादव और BN मीणा। इसी क्रम में अगला नाम IG डॉक्टर आनंद छाबड़ा का है। पिछली सरकार में उनकी गिनती सबसे पावरफुल अधिकारी के रूप में होती थी। वो इंटेलिजेंस चीफ के रूप में लंबे समय तक सेवाएं देते रहे। इसके अलावा रायपुर बिलासपुर IG रहे। बाद में सरकार ने उन्हें फिर से इंटेलिजेंस चीफ बना दिया। फिलहाल पुलिस मुख्यालय में उनके पास कोई महत्वपूर्ण प्रभार नहीं है। इसी तरह IG अजय यादव, जो पिछले सरकार के कार्यकाल में रेंज IG के अलावा रायपुर SSP भी रहे, लेकिन अभी पुलिस मुख्यालय में वो IG के रूप में काम कर रहे हैं। इसी क्रम में IG बद्री नारायण मीणा का नाम भी शामिल है। वो पिछली सरकार में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर रेंज में IG के रूप में काम कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में PHQ में पदस्थ हैं। DIG बालाजी राव और पारुल माथुर। इसी तरह से DIG बालाजी राव सोमावर कई जिलों में SP और DIG के रूप में काम करने के बाद पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, जिनके पास कोई भी महत्वपूर्ण दायित्व नहीं है। इसी प्रकार से DIG पारुल माथुर पिछली सरकार में SSP बिलासपुर, DIG सरगुजा के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा EOW ACB में भी पदस्थ रह चुकी हैं। फिलहाल वो PHQ में पदस्थ हैं। उन्हें कोई महत्वपूर्ण दायित्व सरकार ने नहीं सौंपा है। पुलिस महानिदेशक ने मुख्यालय में DDO का दायित्व दे रखा है। IPS की भी लंबी कतार। पिछली सरकार में तेज तर्रार IPS उदय किरण भी PHQ में बिना दायित्व के पदस्थ हैं। वो कई जिलों में कप्तानी कर चुके हैं। इसी प्रकार से DIG अभिषेक मीणा, प्रखर पांडे, नेहा चंपावत भी पुलिस मुख्यालय में हैं। इन्हें पुलिस महानिदेशक ने कुछ दायित्व दे रखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर सरकार ने इनकी पोस्टिंग नहीं की है। आने वाले समय में मैं सोचता हूँ कि इस पर भी काम करके और सभी के बीच कार्य का विभाजन किया जाएगा, शीघ्र ही किया जाएगा। बहरहाल इन सभी अधिकारियों को पिछली सरकार का समर्थक होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खासकर पिछली सरकार में जिन्होंने क्रीम वाले पोस्ट पर जमकर चांदी काटी, उन्हें अब PHQ में पदस्थ कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इनके दिन फिरते हैं या फिर नहीं। मनोज नायक, INS 24/7, रायपुर।